हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर भी ये सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिएगा, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है कन्वीनियंस टूल, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है जेस्चर ऑफ मोशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है राइज टू वेक, सिंपली आप इसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो ईयरपिक कॉल, इसे इनेबल करने का है। जैसे आपके फ़ोन के अंदर कॉल आती है वो ऑटोमेटिक आपकी कॉल आंसर हो जाती है। ऑटो स्विच टू रिसीवर ईयर कॉल, जैसे आपने कॉल आई और आपका फ़ोन अपना हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं तो जैसे ही आपका फ़ोन अपने कान के पास जाता है आपका फ़ोन ऑटोमेटिक अपने हैंडसेट पर स्विच हो जाता है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, ये फ्लिप कर देंगे तो आपकी जो कॉल आ रही है वो आपकी म्यूट हो जाती है। इसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने फ़ोन के डायलर में। तो सिंपली आपको डायलर में आ जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ से आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको कॉलिंग अकाउंट मिल जाता है सबसे पहले। कॉलिंग अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से आपकी जो फ्लैश कॉल होती है वो से आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। ऑटो आंसर वाला हमने इनेबल कर ही दिया। यहाँ से आपको यूज़ पावर बटन एंड हैंगिंग वाले से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से आपको कैरियर कॉल सेटिंग मिल जाती है जिसमें जाके आप अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड कॉल वेटिंग कर सकते हैं। और एडिशनल सेटिंग में जाके आपकी जो कॉल वेटिंग होती है वो आप यहाँ से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपके फ़ोन के अंदर डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें जाके अपने चूज कर सकते हैं आपको जो भी थीम आपको चूज करनी है। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाता है नियर बाई प्लेसेस, इस पर क्लिक करेंगे। इसे आप इन तीनों को ऑन कर देंगे। इससे क्या होता है, जैसे किसी की कॉल आती है तो यहाँ से आपको अपने फ़ोन के अंदर ये बता देता है जैसे आपकी इस व्यक्ति की कॉल आ रही है, यहाँ से आ रही है, आपका ट्रू कॉलर की तरह काम करता है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है, एक कॉलर आईडी अनाउंसमेंट मिल जाता है, इससे आप अपने नेवर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ भी करा सकते हैं या ऑलवेज कर सकते हैं। जैसे आपकी जिस भी कॉल आती है उसका आपको अनाउंसमेंट करके बताएगा, नाम लेके बताएगा आपको फ़ोन किस व्यक्ति की कॉल आ रही है। इसे आप सेट करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। नीचे आपको फ्लिप टू साइलेंस मिल जाती है, इसे आप इनेबल कर देंगे। जैसे आपके फ़ोन में अंदर कोई कॉल आती है आप अपने फ़ोन को इस प्रकार से फ्लिप करेंगे और आपकी कॉल साइलेंट हो जाती है। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर जो आपकी कॉल होती है उसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल ब्लॉक करनी है तो यहाँ से आपको ब्लॉक नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ से अननोन नंबर की कॉल सारी ब्लॉक कर सकते हैं। इससे जो भी आपकी अननोन नंबर की कॉल होंगी वो सारी ब्लॉक हो जाती है। अगर आपको पर्सनल एक फ़ोन नंबर ब्लॉक करना है तो सिंपली ऐड ए फोन नंबर पर जाएंगे और यहाँ से आप नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे हम अपना नंबर ब्लॉक कर देते हैं, सॉरी, ओके। इस प्रकार से आप इसे ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ से नंबर आपका ब्लॉक हो जाता है। इन फ्यूचर कभी आपको इसे अनब्लॉक करना है तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और ये हो जाता है अनब्लॉक। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन की कॉल सेटिंग कर सकते हैं। ये थी हमारे फ़ोन की कॉल सेटिंग की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।